बड़वानी में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से 120 लंबित प्रकरण का हुआ निराकरण, साथ ही सात परिवारों को एकजुट करवाया गया। साथ ही एक्सीडेंट में मृतक के परिवार को 3 लाख की नगद राशि देकर हुआ समझौता। 8 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन, लोक अदालत के माध्यम से सालों से लंबित मामलों का हुआ निराकरण, 120 मामलों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करवाया गया। वहीं 7 विवाहित जुड़े जो एक दूसरे से अलग रह रहे थे उनको भी एकजुट करवाया गया। वहीं 6 महीने पूर्व ट्रैक्टर से कुचलकर राजू निवासी होलगांव की मृत्यु हो गई थी, जिसमें राजू के परिवार, पिता मोहन एवं उनकी पत्नी को ट्रैक्टर मालिक ने 3 लाख की नगद राशि देकर समझौता किया। आज की नेशनल लोक अदालत में करीब 120 लंबित प्रकरणों का निराकरण हो रहा है और 7 परिवार जो किसी कारण से अलग अलग रह रहे थे पति पत्नी, उनका समझौते परामर्श के द्वारा समझौता कराकर उन्हें अपने एक साथ जीवन व्यतीत करने के लिए सलाह दी गई और इस तरह से उनके प्रकरण प्रीलिटिगेशन के रूप में निराकृत किए गए। एक क्लेम केस जो माता पिता के एक लड़के का, अवयस्क लड़के के एक्सीडेंट के कारण मृत्यु का था, जिसमें वाहन मालिक ने 3 लाख रुपए दिए हैं क्योंकि उस वाहन का बीमा नहीं था, इसलिए वाहन के मालिक को ही उस क्षतिपूर्ति की राशि देना थी, इसलिए उसमें पूरी 3 लाख की रकम दे के उन्होंने राजीनामा किया। ये बहुत अच्छी सराहनीय बात है। कितने दिन से पेंडिंग था? ये करीब 6 महीने से पेंडिंग था और बीमा नहीं होने के कारण बड़ी परेशानी थी उसमें, क्योंकि वाहन मालिक को ही उसमें क्षतिपूर्ति की राशि देना थी। अन्य मामलों में भी क्षतिपूर्ति के प्रकरणों में राजीनामे हुए हैं और क्षतिपूर्ति की राशि लाखों में है, उसमें शाम तक आंकड़े मिल जाएंगे 5 बजे तक।